हमारा एक वहाँ पे झोपड़ा था, बिल्डर ने बोला के एग्रीमेंट बनाया कि भाई यहाँ पर हम आपको फ्लैट देंगे और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो आप भाड़ा भाड़ा भी चालू रखा था और दोनों काम किया, एग्रीमेंट भी बना के दिया। लेकिन उसे आज 11 साल हो गए ना, उसने अभी तक घर दिया और ना ही भाड़ा भी बंद कर दिया उसने। तो इसलिए हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जरूरत। इसके बाद में हम लोग SRM में भी गए, वहाँ पर भी लेटर डाले, काफ़ी लोगों से अमित आटम जिसे भी रुजू किया उनको भी बार बार बताया, यहाँ पर काफ़ी लोगों से मिलजुल के मतलब होने के बाद में बहुत जगह गए लेकिन काम नहीं हुआ, तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं विक्टिम जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है या कितने झोपड़े वाले हैं ये बताइए? कम से कम अभी 1000 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के मतलब उसके लिए है। नहीं, इस प्रोजेक्ट में, आपके इस प्रोजेक्ट में अभी तो सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर। कम से कम अभी तक 7 बिल्डिंग बन चुकी है उसकी, अभी ये 8वीं बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग को लास्ट में रखा जबकि इसका नंबर फर्स्ट था, और अभी 7 नंबर बिल्डिंग बन गई, उसका भी अधूरा काम अभी बाकी है। और ये प्रोजेक्ट कम से कम 20 साल से चल रहा है। 20 साल से चल रहा है। तो आप लोगों ने अब तक किसी कहाँ तक कंप्लेंट की है? CM से बात की है, हाउसिंग मिनिस्टर से बात की है, SRM बात की है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, इस तरह से कुछ? पटेल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे की दावत पे आप लोग आए हैं। मैटर ये है कि इस बस्ती में 25 साल से कोटकोन डेवलपर नामी बिल्डर जिसका नाम है ताजुद्दीन मरेडिया, जो लोनावाला में फरियास होटल है उसका मालिक है, ये डेवलप कर रहा है ये एरिया, और कई उसके प्रोजेक्ट के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, लोग इतने परेशान हैं उससे, किसका नाम किसी के साथ चढ़ा हुआ है, किसका, और कई लोगों को कई सालों से भाड़ा नहीं दे रहा है, और लोग SRA के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ये खुद 10 साल से ऑफिस में बैठता नहीं है, लोगों से मिलता नहीं है, इसके कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर साइड वाले आते हैं बोले भाई हम क्या करेंगे। तो मजबूरन अभी हमारा भी मिसेस के नाम का घर था, 10 साल पहले उसने बोला भाई आपका जो स्ट्रक्चर जो है हमारे प्रोजेक्ट में आ रहा है, मतलब भाई मैं डेवलपमेंट के फेवर में हूँ, अगर आपको लगता है तो ले लो। उसने एग्रीमेंट बना के दिया, भाड़ा नक्की किया, बोले मैं आपको 1 नंबर बिल्डिंग में दे दूँगा। भाड़ा 8 साल से बंद है, अगर 10,000 के हिसाब से भी टोटल करोगे तो 10 लाख के करीब हमारा भाड़ा हो रहा है। आज कोरोना चल रहा है, दुनिया के लोग परेशान हैं, ये पैसा दे नहीं रहे। हमारे अलावा और ऐसे कई लोग हैं, जबकि आप जानते हैं मैं एक सियासी आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, तो हमारे साथ इस तरह से बिल्डर कर रहा है तो आम जनता के साथ वो कैसे कर रहा है? और बेचारे खून के आंसू रो रहे लोग। अभी हमारे पुलिस कमिश्नर को मैंने कंप्लेंट किया, 2015 में भी हमने जो है इसके खिलाफ कंप्लेंट किया था, इसके पहले हमने धरना भी दिया था उसके ऑफिस में, लेकिन कुछ उसके कान पे जू नहीं रहती। अभी 4-15 दिन पहले हमारे लोकल MLA अमित साटम जी ने उन्हें 4 बार फ़ोन किया, अपने ऑफिस में भी बुलाया कि इन्होंने फडणवीस साहब को ट्वीट किया था कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि विधानसभा चल रहा है, फडणवीस साहब कल मुझे मिले थे, उन्होंने बोला ये मैटर क्या है जरा देखो तेरे एरिया का है, तो वापस फिर अगर मुझे विधानसभा में मिलेंगे तो फिर टच करेंगे, इसलिए इनका मैटर क्या है जल्दी सॉल्व करो। हाँ साहब मैं करता हूँ, फिर 15 दिन से गायब है। तो हम गरीब आदमी करे क्या, भाड़ा भी नहीं दे रहा है। वो 1 नंबर बिल्डिंग जो बनाया है SRA के नाम पे, उसमें से 30 फ्लैट भेज दिया उसमें से, बोलता मेरा ओपन मार्केट में बेचा है, ओपन मार्केट में जो सेल जो बिल्डिंग बना था उसमें से बेचा है। भाई SRA के अंदर तो गरीबों के ही नाम पे SRA की बिल्डिंग बनती है, उन्हीं को रिहैब करना चाहिए उसके अंदर। सेल माल के लिए तो तुम्हारा टावर है, तुम्हारी FSI सेल माल में यूज़ करना चाहिए, टावर में यूज़ करना चाहिए। मैंने बोले मेरा उसके अंदर सेल FSI था, मैंने वो उसमें भेज दिया, 30 फ्लैट भेज दिया, जबकि लोगों को लालच पे रखा था कि ये बिल्डिंग बनेगी तो आपको दूंगा, जब 30 फ्लैट भेज दिया तो फिर बोले उसमें 4 बालवाड़ी है, फलाएं, मतलब जीरो खत्म, बोले वो बिल्डिंग में अब माल नहीं है और मेरी आगे बनने वाली, और 10 साल इंतजार करो। तो 10 साल तक तो हम दुनिया में रहेंगे कि नहीं उसकी क्या गारंटी? 12 साल से सबर कर रहे हैं और 10 साल सबर करेंगे भाई, फिर भाड़े का क्या? तो इस तरह के उसके मामले हैं, हम SRA में भी जा रहे हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट किए। अभी आपको मालूम है पूरे मैटर जो है इतना उलझ चुका है ये, अभी हम जो है एक ही निर्णय आपके माध्यम से हम उसको ये मैसेज देना चाहते हैं, 8 दिन के अंदर अगर हमारा मैटर सॉल्व नहीं हुआ, हम जहाँ हमारा जगह था वहाँ जा करके हम हमारा घर बना लेंगे, फिर कोई भी ताकत आके हमको रोकेगी तो हम उससे नंडे भिड़ने के लिए तैयार है। पुलिस हमको गोली मारे, बिल्डर हमारे ऊपर FIR कराए, हम सब चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन हम हमारा जो जगह था हम हमारा स्ट्रक्चर वहाँ बना देंगे, क्योंकि उसके अलावा तो दूसरा कोई पर्याय है ही नहीं है। अगर बिल्डर आगे 8 दिन के अंदर हमारा फैसला करता है, हमको रिहैब करता है, भाड़ा देता है, तो हमको ये स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। जी,
अगर वो नहीं किया 8 दिन के अंदर, इसीलिए हम 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं उसको, ताकि उसको भी सोचने समझने के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हम 2 घंटे में जा करके उसके ऊपर ये करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं भाई। 1 हफ्ते का टाइम आपको दे रहे हैं, 12 साल हमने सबर किया, 1 हफ्ता और सबर करेंगे, उसके बाद अगर हमको जस्टिस नहीं मिला तो फिर हम आजाद हैं, हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जहाँ आपके झोपड़े थे वही आप दोबारा झोपड़े बचा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, हम हमारे गरीब आदमी अपनी जमीन कैसे छोड़े, समझे, हमारी जमीन के ऊपर उसने बिल्डिंग खड़ा किया है। अभी कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि भाई ऐसे बिल्डर जो काम नहीं कर रहे हैं 18-18, 20-20 साल से, तो उनकी कुछ 8 दिन पहले हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि जो डेवलपर लोगों को भाड़ा नहीं देता है उसका प्रोजेक्ट को जो है रद्द किया जाएगा, और ये भाड़ा नहीं देना सामाजिक अन्याय है। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं आपको सेंड शायद किया हूँ या नहीं तो अभी मैं करूँगा आपको, समझे, हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज हमारे सबसे हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे वसीम भाई का कि आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए, जब से उनको ये मैटर हमारा मालूम पड़ा है वो भी बेचारे काफ़ी वो हैं कि भाई ठीक है मुझसे क्या होता बोलिए, तो मैं बोला भाई देखिए आपके सामने खुली किताब है, आप हमारे लिए कुछ मत। हाँ, वसीम भाई जो है, वसीम खान साहब, ये मुंबई बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के सदर भी हैं और दरगाह अजमेर कमेटी के मेंबर हैं, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं जिसको मरकजी हुकूमत का राज्य मंत्री का दर्जा भी है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन सेंट्रल कमेटी के भी ये मेंबर हैं, और भी बहुत सारे तंजीमों से जुड़े हुए हैं, और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे छोटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आए हैं और हमारी मदद करने की नीयत से आए हैं, और हम मुझे उम्मीद है कि ये इनकी जितनी ताकत है हमारे इस गरीबों के मसले हल करने के लिए वो उसको सर्व करेंगे। नसीम साहब, ये आपका जो मैटर अभी चल रहा है ये क्या विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जनता के बीच में जिस तरह से पिछले 5 सालों तक देवेंद्र जी ने काम किया, उनसे उम्मीद रखते हुए ये सताए हुए लोग उनको ट्वीट करें, ना कि यहाँ के सीएम को, मौजूदा सीएम को वो लोग ट्वीट करें, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब लोगों को उम्मीद है उनसे। और कई बार मोहम्मद पटेल साहब से मेरी बात हुई, कई बार इन्होंने पत्र के माध्यम से बहुत ही शालीनता से उनको निवेदन किया, अनुरोध किया, कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर ने हमेशा इनकी शालीनता और अनुरोध का मजाक उड़ाया और अपने ताकतवर होने का हमेशा धमकी दिया। उसने हमेशा बोला कि मैं, मेरे साथ यहाँ पे पॉलिटिशियन भी पार्टनर्स हैं, मेरे साथ हुकूमत में मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, पुलिस में भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तो आप लोग जाइए, और इनको हमेशा धमकी दिया। लेकिन जहाँ भी अन्याय होगा गरीब मजबूर मजदूर लोगों के साथ, वहाँ हम उनके साथ पूरे दमखम के साथ खड़े रहेंगे। ये मुद्दा बहुत सीरियस है, यदि अगले कुछ दिनों में उन्होंने इसका हल नहीं निकाला तो हम कानून को तो कभी हाथ में लेना नहीं चाहेंगे और ना कभी लेंगे, लेकिन इसको जितने ऊपर लेवल पर ले जाना है हम इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, और पूरे दमखम के साथ मोहम्मद पटेल साहब जैसे जो 500 लोग जो इससे मुतासिर हैं, जो परेशान हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सर, हमारा एक क्वेश्चन और है, बिल्डर और पुलिस में कितनी मिली व्यवहार चल रही है, क्योंकि इसमें बहुत सी कंप्लेंट आती है। पुलिस के लिए लोगों का परसेप्शन अच्छा बुरा हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक बिल्डर है उनको एक आसानी लफ्ज़ मिल जाता है, आसान लफ्ज़ कि भैया मेरे पुलिस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम पुलिस को मैनेज करते हैं, हम देख लेंगे, लेकिन मैं इसमें कोई डीपली या पुख्ता सबूत आपको नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल, ये जब जब इन्होंने पुलिस के पास जब जब ये बिल्डर से गए मिले और उनको बोला कि हम पुलिस में भी जाएंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया, और ये खासकर ताजुद्दीन मरेडिया ने हमेशा पुलिस की और पॉलिटिशियन और मिनिस्ट्री की धमकी दिया। सर, आगे आपकी तरफ से क्या कदम होगा? अभी इस मुद्दे को हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक है आदरणीय अमित साटम जी के पास एक बार मैं स्वयं रखूँगा, और वो खुद भी इसमें सीरियस है, उन्होंने कई बार बिल्डर को फ़ोन किया लेकिन बिल्डर ने उनको वो आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है, तो जो पार्टी के हमारे बड़े लीडरान हैं उन तक ये बात मैं पहुंचाऊंगा, और आपके माध्यम से भी ये बात मुझे लगता है यहाँ के सीएम को भी पहुंचेगी, तो उम्मीद है ऐसा कि 1-2 हफ्ते में हम किसी निर्णय तक पहुंचेंगे, क्योंकि 11 सालों से आप सोचिए किस तरह से परेशानी में किस तरह से एक अपना आशियाना लोग बनाते हैं, और उसको भी अगर जो बिल्डर लोग कब्जा कर लेंगे और बिल्डर लोग अपना लेंगे, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मौजूदा सरकार भी इसमें पूरी तरीके से फेल है, और बिल्डरों को मनमानी करने के लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। अपोजिशन का अहम रोल होता है, तो क्या आप फडणवीस जी से बात करेंगे कि इस मसले को देखें?
बिल्कुल देखिए देवेंद्र का सवाल नहीं है, यहाँ पे कई लोगों का सवाल है, कई परिवार का सवाल है। देखिए आपको मालूम है चाहे कोरोना का दौर हो या महाराष्ट्र के साथ न्याय करने का दौर हो, तो हमेशा माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जमीनी स्तर पर जाकर जमीनी लेवल पर जाके पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। और मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ मखसूस जगह पे चार दीवारी में बैठकर महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के साथ न्याय नहीं आप दे सकते हो। और महाराष्ट्र की जनता आज पूरी तरीके से त्रस्त है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कोरोना से निमटने की चीज़ें हो, हर तरह से महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान है और एक बार देवेंद्र फडणवीस जी को फिर एक उम्मीद की नज़र से देख रही है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने 5 साल कार्यकाल में भी लोगों के साथ बहुत न्याय किया, लोगों के साथ रहे, लोगों का काम किया और कुछ गलत तरीके से दूसरी सरकार इस बीच में आ गई तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा जो लोगों के साथ काम करना बचा था वो थोड़ा डिले हो गया। लेकिन बहुत जल्द वसीम खान साहब, जैसे कि आपकी हमने पूरी बात सुनी, इस पूरे मामले को लेकर के इस बम्बई शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट है SRA स्कीम के तहत, जहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल से इस तरह के जुर्म होते चले आ रहे हैं और बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो सरकार के साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो SRA के आला अधिकारी हैं, यानी भ्रष्ट जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं, वो असल में इसके ज्यादा जिम्मेदार है। पुलिस का रोल तो बाद में उस समय भी थी। देखिए 2014 से छूट क्यों दी गई, 2014 से 2019 का जो दौर रहा है आप उसमें अगर जो थोड़ा देखेंगे तो सबसे बिल्डरों के लिए ज़मीनी माफियाओं के लिए जो झोपड़ियों पे जो कब्जेदारों के लिए सबसे बुरा दौर था 2014 से लेकर 2019 तक, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, तो उसमें बहुत मुद्दों पर बिल्डरों के ऊपर नकेल कसी गई है और आगे भी कसी जाएगी। आगे भी ये सब चीज़ों को बहुत सीरियस हमारी पार्टी है और किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात का हमेशा हम ख्याल। सर आज से पहले इनको दूध पिलाया गया, ये सबको ने जो दूध पी पी के जहर पी पी के जो है आज वो हजदा बन गए, तो कहीं ना दूध पिलाने का काम तो पिछली सरकार ने भी तो किया है। तो पिछली सरकार आप 65 सालों का जो सवाल वो 5 साल की सरकार से पूछेंगे, 65 सालों का अन्याय जो हुआ है 65 सालों में उसका आप 5 सालों की सरकार से हिसाब देंगे तो मुझे लगता है ये दुरुस्त नहीं है। अजगर बना दिया गया तो उसको थोड़ा समय जरूर लगेगा, काश जब उस टाइम वो इनिशियल दौर में ही गजब कुचल दिए जाते तो आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। तो कितने साल से पेंडिंग है मोहम्मद पटेल साहब? 12 साल से। तो 5 साल तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी सर जी, तो उतने ही जिम्मेदार बीजेपी की गवर्नमेंट में। बीजेपी ने तो आप देखिए, ये नहीं कि मैं एज अ पॉलिटिकली आपको आंसर दे रहा हूँ या इस मखसूस पार्टी से हूँ तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आप ये देखेंगे 5 सालों में जितने काम हुए हैं, पिछले 2500 सालों का आप हिसाब ले लेंगे, मुझे लगता है इन 5 सालों में काम हुए हैं। लेकिन जहाँ बोलते हैं ना इतना पैर पसार गई है असामाजिक, जो असामाजिक तत्वों ने इतना पैर पसार लिया तो उसको थोड़ा ख़त्म करने में यकीनन समय लगेगा। और आप देखिए हम अभी अपोजिशन में भी रह के इनके साथ खड़े हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है, एक ट्वीट पे उन्होंने यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा उनसे बात की, तो ये बड़ी बात है कि कम से कम सुनवाई हो रही है और लोगों को उम्मीद है कि देखिए ओपोजिशन लीडर से उम्मीद है। ये हमारे लिए सौभाग्य है और मौजूदा सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा CM के पास जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो उनके पास नहीं गए, लेकिन यहाँ के जो ओपोजिशन लीडर हैं